तमाम खलीजी रियासतें बिलखसूस ओमान के अंदर बसने वाले मस्कत के लोग, इसके अलावा सऊदी अरेबिया, दुबई, अबूधाबी, शारजा और तमाम जनूबी एशियाई रियासतें, भारत, पाकिस्तान, अल पाकिस्तान समेत तमाम सुनने वाले नाज़रीन को वजाहत हुसैन का अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त हम लोग जा रहे हैं सलाला, और सलाला जो है वो पाकिस्तान में जिस तरह नॉर्दर्न एरियाज होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी एक नॉर्दर्न एरिया, यहाँ का कहले सलाला के ठंडा इलाका है और वहाँ के बारिश का जो तसलसल है वो बहुत घंटे जारी रहता है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फेसबुक की माया नाज शख्सियत, जमात इस्लामी के सोशल एक्टिविस्ट, और जिनकी तारीफ में जितने गुण गए जाएँ, आपको मैं बता रहा हूँ, आमिर लियाकत हुसैन आपको बता रहा है कि हमारे साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जमात इस्लामी के मशहूर एक एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है जनाब जिशान मुनीर भट्ट साहब, और आप देख सकते हैं इस वक्त वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। चूँकि यहाँ पर कानून जो है वो हमारे पाकिस्तान जैसा नहीं है, अगर ये मुसलसल इस वीडियो को देखते रहे या इसमें बोलते रहे तो यकीनन कोई शुरता पीछे आगे इनको दे देगा, और जो देगा वो चलान होगा, यकीनन कुछ और नहीं होगा, वो चलान इन्हें दिया जाएगा, इसके बाद ये दोबारा जो है वो ये जुर्रत नहीं करेंगे बोलने की। ऐसे ही मैं आपको एक वाक्य सुनाता चलूँ कि हमारे एक दोस्त थे जिनका नाम है आसिफ महार साहब, वो भी यहाँ पर रह रहे हैं मस्कत सलाला में। तो आसिफ महार साहब बताते हैं कि एक दफ़ा वो इसी तरह ड्राइव पर जा रहे थे और ड्राइव करते करते सडनली उनको ख्याल आया कि उनके जो बाल हैं, सलमान खान की फिल्म तेरे नाम में राधे जैसे बाल हैं उनके बड़े बड़े, अब तो वो गंजे हो चुके हैं क्योंकि अब आशिक हो चुके हैं वो। तो जब उनके बाल बड़े बड़े थे, वो बताते हैं कि मैंने जो शीशा नीचे किया था कुछ देखने के लिए, तो उनके बाल, उनकी जुल्फें जो है ना उनके चेहरों पर आ गई थी, और इस तरह उसके चेहरे पर आई थी कि वो संभाल ना पाए, वो जो यूं करने लगे थे खातून की तरह ना, जैसे खवातीन अक्सर यूं करती हैं अपना जलवा दिखाने के लिए, तो वो भी गालिबन उनको अपना जलवा दिखाने के लिए उन्होंने बाल यूं किए होंगे। तो फिर उन्होंने डैशबोर्ड से कंघी निकाली और कंघी करने लग गए शीशा नीचे करके, तो एक शूटर पीछे से आ गया अचानक से, उसने जो दी लाइट और ये रोका साइड पे बड़े तमीज़ से आदाब से। मैंने अपनी एक सादका तहरीर में बताया था कि यहाँ के शूरते इतनी इज्जत देते हैं कि आपके कदमों में बैठ जाएंगे, आपके पाँव, उनका बस नहीं चलेगा, वो आपके पाँव में बैठ जाएंगे, जैसे आमिर लियाकत अक्सर आलिम ऑनलाइन में मौलमा के कदमों में बैठ जाते हैं, और इस कदर उठाते हैं मतलब वो कंधे इतने भारी कर लेते हैं जैसे कि शेरी साहब जो है वो आमिर लियाकत के शो में अक्सर शेरी कंधे भारी कर लेते हैं आमिर भाई के, बिल्कुल इसी तरह वो भी जो है ना कंधे शूरते हैं आके भारी कर देते। लेकिन चलान वो आपको देंगे लाजमन, चलान के मामले में नो माफी, माफी सदीक माफी, चलान के मामले में तो नो माफी। तो वो उनके फिर ये साइड पे बड़ी इज्जत और एहतराम से, भाई कैसी तबीयत है, काम कैसा चल रहा है आपका, कैसा मिजाज है, घर में सब खैरियत है, यहाँ पर सब खैरियत है, सब पूछ पाछ के सब कुछ कर करा के उसके बाद मौसूफ को पकड़ा दिया 15 रियाल का चलान, जो कि पाकिस्तानी गालिबन 15 रियाल कितने बनेंगे सर, 5000 इनका आज उपवास है, और नहीं उपवास नहीं, क्या बोलते हैं वो हिंदू जो रखते हैं ना वो व्रत वगैरह कुछ ऐसा ही है इनका कि आज ये बोलेंगे नहीं। तो बहरहाल वो जो है वो उनका चलान ठोक दिया 5000 रुपये करीब पाकिस्तानी, और बस फिर होना क्या था, उन्होंने चलान भरा और दोबारा से अपनी इन्होंने इस गलती को जो है सुधारा कि आज के बाद दोबारा कभी ड्राइव पर चलते हुए इस तरह जो ना यूं नहीं करेंगे, यूं आप देख सकते हैं इनकी यूं नहीं करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा क्लिप पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो आज पसंद करने वाले, लाइक करने वाले को दी जाएगी क्यू मोबाइल की बाइक, और इसी तरह कमेंट करने वाले को दिया जाएगा करशी का जामे शीरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु शेरी।